रोको उसे, जल्दी करो, शेख साहब की गाड़ी आ रही है। क्या बीबी? पाकिस्तान के लिए बीबी। लगता है आईएसआई ने लश्कर को पहले से बता रखा है तुम्हारे बारे में।
एजेंट हो मालूम है हमें। मैं रॉयल नहीं हूं। अभी तक टूटा नहीं है कुरैशी साहब, ये दिया इसने। ये कहां से मिले तुम्हें? मेरी सोर्सेस हैं। अगर मुझे ये मिल सकता है तो सोचो और क्या क्या मिल सकता है। बोल कहां से मिले? मुझे अपनी बेइज्जती का बदला लेने का बस एक मौका चाहिए। मिलिट्री फैसिलिटीज, एयरबेसेस, अंदर की सारी इंफॉर्मेशन है मेरे पास। यकीन अखदूल हूं। लड़ाई की वजह से सारे सिग्नल टावर्स गड़बड़ है, नेटवर्क बड़ी मुश्किल से मिलता है। ठीक है, मैं सलाहुद्दीन जाकर भेजता हूँ। अगर आप मुझे पाकिस्तान नहीं ले गए तो यकीन मानिए उम्र भर आप इस बात का अफसोस करेंगे। अफसोस हमें होगा या तुम्हें, ये पाकिस्तान में हमारे सदर तय करेंगे। जब तक उनसे बात नहीं हो जाती इसे यहाँ रखो। लगता है फिर से लड़ाई शुरू हो गई। हेलो कुरैशी साहब, इसका क्या करें? भेजा अभी तक? कौन पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
का वीडियो भेजो जल्दी। सर सिग्नल खराब है, फोटो नहीं जा रहा। नवंबर 2008 मुंबई, रात के 9:54। दो अनजान आदमी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में घुसे और गोलियां चलाने लगे। अगले 3 दिनों और 3 रातों के लिए मुंबई शहर को अपने घुटनों पर गिरा दिया गया। लश्करे तैयबा के ट्रेन किए हुए 10 टेररिस्ट ने हिंदुस्तानी मिट्टी पर अपना सबसे भयानक हमला बोल मुंबई शहर को एक युद्ध क्षेत्र बना दिया। नजर आ रहा है ना उसे मारो पाए दुनिया च, मतलब ऐसे काम हो जाए तो दुनिया च खौफ जड़ा है वो काबिज हो जाना है। जब तक ये दहशत खत्म हुई 160 से ज्यादा मासूमों को बेरहमी से मार दिया गया था। कईयों के शरीर पर टॉर्चर के भी निशान थे। 7 साल बाद गोलियों के निशानों को प्लास्टर कर दिया गया है, टूटे हुए शीशों को बदल दिया गया है, लेकिन दिलो दिमाग पर लगी चोट आज भी ताजा है, क्योंकि जिन लोगों ने उन हमलों को प्लान किया, उन हमलों को अंजाम दिया, हमारे देश के आत्म सम्मान पर हमला किया, वो लोग आज भी चैन की नींद सो रहे हैं इंडिया की पहुंच से बाहर। तुम्हारा पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी और ये नई चीज आधार कार्ड, सेल फोन और ये रुपए, सब याद है ना? तेरा ही से अंदर घुसना है, फिर लखीमपुर बस पकड़ कर जाना है, लखीमपुर में 2 महीने रहना है, फिर उरी ट्रेन से जाना है, वहां जाकर ये सेल फोन ऑन करना है और बाकी के ऑर्डर्स वहीं से लेना है। और किसी हिंदुस्तानी लड़की के इश्क में नहीं पड़ना है। शाबाश बच्चा, चलो। पाकिस्तान का रहने वाला, 8 साल की उम्र में माँ मर गई, 2 साल बाद बाप अफगानिस्तान में मारा गया। मुझे फैमिली हिस्ट्री नहीं चाहिए, उसे दामाद नहीं बनाना। पॉइंट पे आओ। इंटरोगेशन में इसने बताया कि लश्करे तैयबा इंडिया में एक और अटैक प्लान कर रहा है। कहा? वो उसे नहीं पता। उसे पता है, उगलवा उससे। सर उसे हम लिमिट तक ले जा चुके हैं, पता होता तो अब तक डेफिनेटली बता देता। सर अगर ये अटैक हम रोक भी लें तो अगला अटैक नहीं रोक पाएंगे। सर कौन है ये? समित मिश्रा, नई डेप्यूटेशन पे आया एनटीआरओ से, इसके बारे में मैंने बताया था आपको। सर वो लोग हम पे फिर से अटैक करेंगे, बार बार अटैक करेंगे, जब तक इनका मकसद पूरा नहीं हो जाता तब तक ये लोग अटैक करते ही रहेंगे, क्योंकि ये लोग कितना भी अटैक करें हम लोग तो कभी कुछ नहीं करते सर, कुछ भी नहीं करते, सिर्फ क्रिकेट खेलना बंद कर देते हैं सर। सर मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम सारे अटैक्स रोक सकते हैं। हम
ऐसा नहीं कर सकते। सर जब अमेरिका कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? ऐसे प्लान पे ठप्पा लगाने वाला कोई नहीं मिलेगा सरकार में। लेकिन सर सरकार में किसी को बताने की जरूरत ही क्या है? कहां से लाए हो इस पागल को? क्यों नहीं सर? क्योंकि हम अमेरिका नहीं हैं। रॉय तुम क्या एक और जंग कराना चाहते हो? सर उनके एक और हमले की देर है, जंग तो वैसे भी छिड़ जाएगी। तुम बिल्कुल उन बेवकूफ लोगों की तरह बात कर रहे हो जो रात दिन फेसबुक पर चीखते रहते हैं लेट्स गो टू वॉर, लेट्स गो टू वॉर। 100-200 का बदला लेने के लिए हम हजारों लाखों जाने नहीं गंवा सकते। सर एक बार आप पीएम साहब से बात। दिस मीटिंग इज ओवर, वापस ऑफिस चलो। इस कमरे में अभी जो कुछ कहा या सुना जाएगा उसका एक लफ्ज भी ना तो तुम्हारे कोलीग्स, ना तुम्हारे बाप, तुम्हारी माँ, बीवी, दोस्त, पड़ोसी या कुत्ते के कान में भी नहीं पड़ना चाहिए। Am I clear? Yes, sir. Let's do it. सर ये तो सुसाइड मिशन है, टीम का जिंदा वापस आना पॉसिबल ही नहीं। टीम नहीं होगी। मैं भी एग्जैक्टली ये सोच रहा था सर। तो सर आपके दिमाग में कोई है? कोई पागल ही ढूंढना पड़ेगा। नहीं तो गए। माँ बाप के साथ रहता है? नो ये अपना नॉर्थ की फाइल भिजवाई। नो आर्मी वालों भी मैंने डिफेंस भेजी थी, वो भी नहीं भिजवाए। नहीं चले। आप थोड़ा जल्दी करिए, बहुत लेट कर रहे हैं। टू हाई प्रोफाइल विल अट्रैक्ट अननेसेसरी अटेंशन। How many times I have to remind you, यार? नहीं। जितना जल्दी हो सके मुझे क्लासिफाइड फाइल्स भेजो, जो सत्यजीत बग्गा BSF officers वाली। मैक्सिमम कल तक मुझे ये सारी कुछ मिल जानी चाहिए। नहीं चलेगा। I have these 3-4 options. It's too old. बहुत देर हो गई। आगे तो नहीं निकला है? है तो यहीं कहीं। Address does not exist. सारे पेजेस आपने खाली छोड़ा। क्या करूँगी इसका? आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। Too old. नहीं चलेगा। सर ना पासपोर्ट है, ना ड्राइविंग लाइसेंस, ना राशन कार्ड। सर फेसबुक पे भी नहीं है, ना ट्विटर। सर ऑन पेपर ये है ही नहीं, बिल्कुल फैंटम की तरह। कौन है सर फैंटम? अरे ये कौन है? ओ सर सर इंटरनेट पे बस इस एक न्यूज के अलावा और कुछ नहीं है, वो भी बहुत पुरानी है और बिना किसी फोटोग्राफ के। सर सर बस इस छोटी सी प्रॉब्लम के अलावा परफेक्ट आदमी है सर। छोटी सी प्रॉब्लम? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन सर यही वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये हमारे लिए परफेक्ट कैंडिडेट है। सर ट्रस्ट मी, दिस इज आवर मैन। दानियाल खान, देखिए सर उसने तो मना कर दिया है। क्या मतलब मना कर दिया? तुम लोगों को इतनी दूर मैंने इसलिए भेजा कि वो मना कर देगा और तुम लोग भागोगे? ओके सर हम फिर से ट्राई करते हैं, और पैसे जितने भी तुम चाहो। पैसों का मैं क्या करूंगा, मैं तो मर चुका हूं। मुझे कब्रिस्तान में सबसे अमीर आदमी बनने का कोई शौक नहीं। प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम, ले चाहिए मुझे तुम्हारे पैसे और इज्जत। फौज से तुम्हें बेइज्जत करके निकाल दिया था दानिया, हम तुम्हें अपनी खोई हुई इज्जत कमाने का मौका दे रहे हैं। सर उसने तो साफ साफ मना कर दिया। क्या कहा उसने? तो अब क्या करना है सर? ठीक है मैं कल आ रहा हूं। ओके सर। ये नहायती बेवकूफी वाला आइडिया किसका है? अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे सिर्फ 10 जाहिल सड़क छाप लौंडे दे दीजिए और मैं दुनिया के एक सबसे बड़े शहर में तबाही मचा दूंगा, तो आप उसे भी बेवकूफी कहते है ना? आप जरूर कहते सर, लेकिन उन लोगों ने ऐसा किया, और अगर वो 10 जाहिल लौंडे ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? वो जाहिल थे, मैं नहीं हूं। तुम्हारे अब्बा कर्नल उस्मान खान, कितने साल हो गए उन्होंने तुमसे बात नहीं की? जरा सोचो, इंडियन आर्मी में तुम्हें फिर से देखकर वो कितने खुश होंगे। अगर तुमने ये काम कर दिया तो मैं तुमसे वादा करता हूं तुम्हें आर्मी में अपनी पूरी इज्जत के साथ वही जगह फिर से दे दी जाएगी।
वो हमारे लोगों को मारते रहेंगे और वो दिन दूर नहीं जब दोनों देशों में जंग हो जाएगी। आप जो करना चाह रहे हैं उससे बेशक जंग होगी। नहीं होगी अगर उन लोगों की मौत एक्सीडेंट लगे। वो बेवकूफ नहीं है, उनको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि इसके पीछे हमारा हाथ है। हम तो चाहते हैं कि उन्हें पता चले कि इसके पीछे हम हैं, लेकिन हम पर इल्जाम लगाने के लिए उनके पास कोई प्रूफ नहीं होगा। दुनिया की नजरों में वो एक्सीडेंट्स होंगे। देखो दानियाल, हम पाकिस्तान के लोगों पर अटैक नहीं कर रहे, हम सिर्फ टेररिस्ट को खत्म करना चाहते हैं। पिछले 10 साल में 50,000 से ज्यादा पाकिस्तानी भी मारे गए इन सबसे रिलेटेड वायलेंस में। हमें 26/11 का जवाब देना पड़ेगा, और एक बार अगर लश्कर को समझ में आ जाए कि हम पर अटैक करने का क्या नतीजा होता है, अगली बार अटैक करने से पहले वो 10 बार सोचेंगे। लेकिन मैं क्यों? I'll be honest with you, दानियाल। दुनिया की नजर में तुम गायब हो चुके हो, और अगर तुम 2-3 महीने के लिए कहीं चले भी गए तो कोई नोटिस नहीं करेगा, और अगर मैं वापस नहीं आया तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? हम दोनों जानते हैं कि ये काम बहुत मुश्किल है, और इसके बाद तुम्हें ना तो कोई मेडल मिलेगा ना ही किसी न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज पे फोटो, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि तुमने किया क्या है, क्योंकि ऐसा कोई मिशन था ही नहीं। पासपोर्ट, टिकट, सेल फोन, सिर्फ इस नंबर से कॉल करना। ये कॉल्स किसी तीसरे कंट्री से रीरूट होकर हम तक आएगी। वैसे तो हमें कॉल ही मत करना क्योंकि हम तुम्हें जानते नहीं। कैश, कार्ड्स, लॉकर की और कल के मैच की टिकट। नवाज विल मीट यू देयर। हजार लोग हैं, अगर वो यहाँ है तो हमारे पास सिर्फ 2 दिन है उसे ढूंढने के लिए। तुम नवाज हो? 10% सीट स्मोकिंग एरिया में है और वो एक चेन स्मोकर है, तो चांसेस आर वो यही होगा। तुम उसे आइडेंटिफाई क्यों करना चाहते हो? रॉय एक नई फाइल बना रही है उन लोगों की जो मुंबई अटैक्स में इन्वॉल्व थे, एंड एज यू नो इस आदमी की एक ही एग्जिस्टिंग फोन है और वो भी पुरानी। उसे कोई अच्छी तरह नहीं पहचानता, मैंने सिर्फ एक बार देखा है, उसके बाद उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है। तो फिर हम किसे ढूंढ रहे? Don't worry. Intelligence reports के मुताबिक चकल ज्यादा नहीं बदली है। क्या हुआ? वो यहीं कहीं होगा, वो अपनी सिगरेट का फिल्टर तोड़ के पीता है। What are you doing? Can you get off the ground? इसकी वैक्यूम क्लीनर में वैसे ही फिल्टर्स होंगे। Can you get out? अभी देखा मैंने एक। Guys, I've got a job to do here. Yeah? तुम लंदन में क्या करती हो? हम सिर्फ काम की बात करें। I'm a security consultant for Darkwater. It's a private company. जो high risk zones में supplies, security और weapons training provide करते हैं। किसे? जो भी हमें afford कर सके। तुम्हारा रॉ से क्या connection? मेरी मदद क्यों कर रही है? 10,000 pounds. I identify him. I get the money. 10,000 pounds? You can buy me a drink then. Thank you.
السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. صاحب ہمارے لوگوں کے لیے آزمائش کا وقت، آپ نے جو ہماری مدد کی اس کی ہم تہ دل سے قدر کرتے ہیں. وہی ہے لیکن تم نے ابھی تک اسے ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں. لیکن اس کی آواز، اس کا سلام کرنے کا طریقہ بالکل ویسے. اس آدمی کو ہمارے صرف ایک ایجنٹ نے دیکھا ہے، نواز مستری. اس وقت وہ میڈیسن انٹرنیشنل کے لیے کام کر رہی تھی. پاکستان آکیپائیڈ کشمیر میں اکتوبر 2005 کے ارتھکویک میں 75,000 لوگ مارے گئے تھے اور لاکھوں زخمی ہو گئے تھے. اس ٹائم وہاں دنیا بھر سے میڈیکل ایڈ ورکرز جا رہے تھے کیونکہ پاکستان گورنمنٹ ان کو امیڈیٹلی وہیں پہ ویزا دے رہی تھی. نواز بھی وہیں تھی. بس یہی ایک فوٹو ہے اس کی جو اس کے ویزا اپلیکیشن فارم میں تھی جب وہ کرکٹ فین بن کر 2005 میں انڈیا آیا تھا. لیکن اس کے بعد اس نے لوٹ کر اپنا چہرہ بدل لیا پلاسٹک سرجری. ہمیں کسی طرح کنفرم کرنا پڑے گا کہ وہی ہے. اوکے تم اس کے پیچھے جاؤ، اگر وہ واپس آنے لگے تو مجھے فون کرنا. تم کہاں جا رہے ہیں؟ I have to be sure کہ وہی ہے. ٹاپ ملٹری ٹرینر ساجد ماجد، ساجد بل، انکل بل، ابو برا، سب اسی کے نام ہے. 26 پاسپورٹس ہیں. 26/11 کے سبھی ٹیررسٹ کو اسی نے ٹرین کیا، سارے آپریشنز کی پلاننگ کی، اور اس رات کراچی سے ہمارے نیوز چینلز دیکھ دیکھ کر ان ٹیررسٹ کو انسٹرکشنز دیے. دروازے کے دوسری طرف کھڑا کرو اسے، گولی سیدھے سر سے نکلنے چاہیے. ہاں بس چلا دو، جو میں کہہ رہا ہوں وہی کر. He's coming back. Pata lagaiye hai ki nahi? Hello? Hello? Nahi. Tumhe paas se jaakar pata lagana hoga. Are you crazy? Main keh rahi hu, I'm pretty sure. Are you 100% sure? Yes, almost. Hum tumhe almost sure hone ke liye 10,000 pound nahi de rahe hain.
I need it to be 100% sure. What do you want to do? अरे lighter मांगो, जरा पास से देखेगा. Excuse me. जो भी ग्रीन वॉक्सवैगन से निकले। What are you talking about? नीर के साथ बिल्डिंग में गए। उन्हें बाहर निकालो now. Why? Their lives are in danger. Get the old man and his daughter out now. Excuse me, sir. वो ग्रीन वॉक्सवैगन आपकी है? हाँ. क्यों? वो गाड़ी का अलार्म बज रहा है. अलार्म? आप जल्दी आइए. Where are they? What the hell's happening? कहाँ दोनों? वो आ रहे होंगे. Killed two people. London police say that the explosion was caused by a gas leak. According to the local councillor, one of the men was a Pakistani businessman called Abid Ansari. Other unconfirmed sources say he was also called Abu Bara. Residents of this area are shocked by this incident. CF 505, State of Illinois versus Jude Rosario. We, the jury, find the defendant guilty of second-degree murder of Matthew Brody. मुंबई अटैक्स को प्लान करने में लश्कर का सबसे खास आदमी माँ अमेरिकन है और बाप पाकिस्तानी पैदाइशी नाम दाऊद गिलानी लेकिन 2006 में अपना नाम बदलकर डेविड कोलमैन हेडली रख लिया और एक नया अमेरिकन पासपोर्ट बना लिया इस वेस्टर्न नाम की वजह से उसका इंडिया आना जाना आसान है हिंदी उर्दू अच्छी तरह समझता है लेकिन लोगों को कहता था कि वो एक अमेरिकन है हेडली ने मुंबई में टारगेट्स ढूंढे GPS कोऑर्डिनेट्स इकट्ठे किए और कॉन्टैक्ट्स बनाए अपने हर दौरे के बाद पाकिस्तान जाकर लश्कर को वीडियो रिकॉर्डिंग्स दिखाता रहा उन जगहों जहां से टेररिस्ट आसानी से घुस सकें अटैक कर सकें और वक्त पड़ने पर वापस लौट सकें 2009 में हेडली शिकागो एयरपोर्ट में पकड़ा गया लेकिन अमेरिका ने उसे इंडिया को हैंडओवर करने से इनकार कर दिया अब वो शिकागो जेल में 35 साल की सजा काट रहा है
हेलो। उस कार्ड ने बताया कि आप भी इंडियन है। यूएस। यहाँ ऐसे आए मतलब या क्या? मर्डर। पता ना कौन है? अमीना खरी का मन करता है जान ले लूं उसकी। जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, आज पूरे हफ्ते की ड्यूटी अलॉट होने वाली है। कितने पैसे मिलते हैं यहाँ पे काम करने के? वो तो काम पे डिपेंड करता है। सबसे ज्यादा पैसे किस काम के मिलते हैं? $90. Next. You Indian? Yeah. What are you in for? Murder. What are you in for? जैसी आंखें उसकी, जब भी देखता हूँ ना मेरा ब्लड प्रेशर एकदम हाई हो जाता है गुस्से से। वो करे भगवान का इसे लेके जा रहे हैं यहाँ से, नहीं तो मेरे हाथ आप वाला काम हो जाता। ऑर्डर। कहाँ ले जा रहे? टेक्सास हाई सिक्योरिटी जेल में। हेलो। हे बेबी, झूठ बोल रहा हूँ। Who's this? उस दिन क्रिकेट मैच के बाद मैं ठीक से बाय नहीं बोल पाया। So sorry. मेरे घर का नंबर यहाँ से लग नहीं रहा है। तुम्हें तो पता है ना कितना मुश्किल होता है। और मेरे यहाँ कोई दोस्त भी नहीं है तो सोचा तुम्हें फोन कर लूँ। क्या काम है? मुझे $100 चाहिए। अभी? ऑनलाइन पेमेंट कर सकती हो प्लीज? वेबसाइट का एड्रेस लिखो। jpay.com, लोकेशन इलिनॉय, शिकागो, आईडी नंबर 24686। हेलो, मेरे पास पैसा नहीं है। शिट।
24686. I got a money transfer. For me? Yeah, $200. Sign here. घर वालों ने ऐसा भेजा है? अच्छा है, अच्छा। Commissary? Yes. Where's the receipt? Plan kya hai? Succinylcholine. Succinyl kya? Succinylcholine, a quick acting depolarizing paralytic muscle relaxant. Perfect poison hai, jiska na to koi nishan milta hai aur jiska chhota sa dose bhi kafi hota hai. Nikalne ki bhi zarurat nahi. Zuban par touch hote hi asar karna shuru kar deta hai. दुबई में महमूद अल मबू के असैसिनेशन में मोसाद ने इसी का इस्तेमाल किया है। सीसीटीवी कैमरा पे पकड़े गए, वरना कभी पता ना चलता कि वो कैसे मारा। मिनट के अंदर अंदर बॉडी के सारे मसल्स लॉक हो जाते हैं। कम से कम 5 मिनट तक आदमी सांस नहीं ले पाता। अगर ऑक्सीजन ना दी जाए तो आदमी खत्म। Clear. Visitor. I have good news. They found Matthew Brody. They found him? He swam out of the river before the rescue team arrived. So now what? You're a free man. We'll get you out of here by tomorrow.
आर्मी में मेरा एक जवान था, दिलावर सिंह। हर सुबह बड़े जोश में मुझे सलूट करता था। उस सलाम में जो इज्जत थी, जो जज्बा था, पता है मैंने इस मिशन के लिए हां क्यों कहा? क्योंकि मैं दिलावर सिंह की आंखों में अपने लिए फिर से वही इज्जत देखना चाहता हूं, वही सलूट चाहता हूं, उसी जोश के साथ, उसी जज्बे के साथ। क्या हुआ था? डोडा सेक्टर में हम अपनी विंटर पोस्ट को बचाने में लगे हुए थे। 72 घंटे से लगातार शेलिंग चल रही थी। रेडियो, रेडियो डाउन है सर। सर, ग्रीन फोकर नहीं आती है तो हम लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे। हम वहां से सिर्फ 4 घंटे दूर हैं। दो जवानों को तैयार करो। सर, मैं जाता हूं सर। कोई भी आदमी चलने की हालत में नहीं था। 3 दिन से ना कोई सोया था, ना किसी ने कुछ खाया था। अपने आदमियों को बंकर में छोड़ के मैंने अकेले जाने का फैसला किया। जितने भी आदमी थे सब मारे गए। मुझे आर्मी से निकाल दिया, अपनी पोस्ट को, अपने आदमियों को छोड़ के भाग जाने के इल्जाम में। डैनियल, मैं हमें पाकिस्तान ले जा सकती। इस्लाम, लुक इन द कैमरा, आरिफ मिर्जा जी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट? मैं मेडिसिन इंटरनेशनल के साथ काम करता हूं। इट्स गुड टू हैव यू बैक इन मेडिसिन इंटरनेशनल नाउ। थैंक यू सो मच। आई दिस इज आरिफ मिर्जा फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ही हैज डन एक्सटेंसिव वर्क विद एनजीओस इन नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका। कैन आई सी योर आईडी कार्ड प्लीज? कितने दिन के लिए रुकना है? 10 दिन के लिए। Excuse me. This way, please. Rose, एक आदमी पर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में इतनी देर क्यों लगे? दानियाल खान पे बहुत ही कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। 2 हफ्ते हो गए हैं और तुम उसका कोर्ट मार्शल हुआ था। ये सही है, इंटरनेट पे रिपोर्ट भी हैं। इसके अलावा ये पता चला है कि उसके वालिद एक रिटायर्ड कर्नल हैं। माँ बाप देवलाली में अकेले रहते हैं। 204 and 205 यूएस एम्बेसी को फोन करो। मुझे हर उस कैदी की फाइल चाहिए जो हेडली के मरने के वक्त शिकागो जेल में था। फिरोज, हमारे किसी आदमी को बोलो दानियाल खान के अम्मा बाबा को सलाम कराएं। मैंने मना किया था उसे। हाँ सर, इसके बावजूद वो पाकिस्तान पहुंच गया। लेकिन अब जब वो वहाँ पहुंच गया है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगा सर।
भरोसे का आदमी कौन है? सर खालिद, मोहल्ला जौहर में 3 साल से एक ढाबा चलाता है, हारिस सईद के मूवमेंट्स पर नजर रखने के। लाहौर कॉन्सुलेट में विनय को कहो कि वो दानियाल को कॉन्टेक्ट करे। विशाल सिंह, वोटर आईडी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, वोटिंग कार्ड के लिए कुछ डिटेल्स कंफर्म करनी है। फैमिली में कितने लोग हैं? मैं, मेरे हस्बैंड और बेटा। मैं आपके हस्बैंड और बेटे की फोटो देख सकता हूँ? फोटो नहीं, वो चेक करना है क्या इलेक्शन सर पर है। जाली कार्ड के बहुत केस हो रहे हैं, वो डिपार्टमेंट ने कहा इसीलिए वी आर डूइंग दैट ऑल चेकअप वगैरह फोटोज वगैरह। दानियाल खान, इनका फोटो देख सकता हूँ? अभी का नहीं है, थोड़ा पुराना है। हाँ चलेगा। हाँ ठीक है, एक मिनट, फोटो मिल गई सर, और वो कह रहा थोड़ी पुरानी है। एक रुपया लौटा दूंगा खुदा की कसम। महीने का 2000 रुपल्ली नहीं कमा पाता, 1 लाख लौटाएगा। भाईजान सच्ची मोहब्बत करता हूँ मैं आसिया से, एक बार शादी हो जाए मेरी, देखना नसीब भी बदल जाएगा। शादी का खर्चा तो लड़की वाले देते हैं। हाँ गरीब घर की लड़की है भाईजान, पूरी बिरादरी को कहाँ खिला पिला पाएंगे। और तू साला शाहजहां की औलाद है, तो आप ऐसे नहीं देंगे भाई। अरे कहाँ जा रहा है, और ये कौन रखेगा? इस मोटे से करवा लो, बैठे बैठे जलेबी खाता रहता है, पता नहीं पता मेरी कुछ। क्या लेंगे जनाब? एक चाय, 2 समोसे लगा पे, और नीली फाटक वाले कह रहे थे आपके शक्कर पारे बहुत अच्छे हैं। हाँ लेकिन वो सिर्फ शाम को ही मिलेंगे। लश्कर ए तैयबा का सुप्रीम लीडर हारिस सईद, दुनिया की हर मोस्ट वांटेड टेररिस्ट लिस्ट में इसका नाम है, लेकिन खुलेआम घूमता है बिना किसी डर के। एक तरफ कलाश निकोव लिए लश्कर के आदमी इसे प्रोटेक्शन दे रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस एंड ऑफ कोर्स द ISI। अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसके सर पे $10 मिलियन का इनाम रखा है, और घर का पता सब जानते हैं। He is also on Twitter. और उम्बी, क्या से बाकी रावलपिंडी जेल में रखा है? जेल कहाँ जनाब, होटल कहिए होटल। जब से वहाँ गया है 2 बच्चे पैदा कर चुका है। पाकिस्तान सरकार को भी तो अमरीकियों को दिखाना पड़ता है कि रे भाई लश्कर को दबाने के बारे में हम सीरियस हैं। सो नाम के लिए भेज दिया जेल में। आज 5 दिन बाद बहुत बड़ी पब्लिक रैली होने वाली है हारिस सईद की। दानियाल, किसी तरह से अगर एक हमारे हाथ में आ भी गया तो फिर दूसरे तक पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा। पूरे पाकिस्तान की पुलिस और आर्मी हमें ढूंढने लगेगी। Unless इंडिया ये चाहता है कि पाकिस्तान की ज़रात और सनअत को बिल्कुल तबाह कर दिया जाए। पाकिस्तान आज इस हद तक कमजोर हो गया है, और आज तू दिल्ली में बैठ के ये कह रही है कि मैंने सर की कीमत को खत्म कर, और तुम्हारे को जिहाद ये नहीं है कि इसको भी मारो उसको भी मारो और काफिर को मारो। की तो बात है भाईजान, खुदा कसम फिर कभी कुछ नहीं मांगूंगा। कहाँ का नवाब है तू जो 1 लाख चाहिए? शादी सिर्फ एक बार होती है भाईजान, उसमें दोस्त रिश्तेदार बिरादरी सबको अपनी खुशी में शामिल करना है, और 1 लाख कोई ज्यादा नहीं होते हैं। खाना पीना डेकोरेशन टेबलें कुर्सियाँ हैं फोटो लाइटें स्टीरियो सब मिलाकर उतना ही होता है खुदा की कसम। कब हो रही है शादी? सर ये पैसे दे दे तो हम आज ही कर लें। अम्मी भी गाँव से आ गई है गोटे का दुपट्टा ओढ़ कर, बेचारी बारात निकलने के इंतजार में दरवाजे भी टकटकी लगाए बैठी रहती है कि कब आएगी उनके शहजादे शहजाद की बारात। खुदा की कसम, अबे जितनी चाहे कसमें खा ले, मैं एक ढेला भी नहीं देने वाला। अरे इनसे अच्छे तो वो मुजाहिदीन थे, ट्रेनिंग कैंप में दाखिला दिलवा रहे थे 3,000 रुपये महीने का, एटोमेटिक बंदूक
और बूट भी दे रहे थे और अब तक तुझे फौत भी कर चुके होते। तो क्या हुआ, जन्नत ही तो जाते, तुम्हारी दुकान से अच्छी होती। जन्नत जाएगा बस। उम्मी को कमर दर्द का पुराना प्रॉब्लम है, लाहौर से हर हफ्ते डॉक्टर जेल जाता है इंजेक्शन देने। डॉक्टर की अगली विजिट कब है? हर जुमरात को जाता, यानी अब की 14 तारीख को जाएगा। रैली से एक दिन पहले डॉक्टर को किसी तरह अप्रोच कर सकते हैं? सोचना भी नहीं, 20 साल से है साथ उनके। डॉक्टर कम लश्कर का वफादार ज्यादा है, न दम से मानेगा न दाम से। लेकिन हाँ, डॉक्टर की एक पुरानी नर्स है अमीना भी। अमरीकियों ने शिकागो वाली फाइल्स भेज दी हैं। ग्रेट, मुझे हर फाइल का प्रिंट आउट चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम, बोलिए। जी वो स्कूल का प्रोग्राम है, किराए पर सामान उठाना था। क्या क्या लगेगा? जी वो जलसे तकरीरों में नहीं लगते हैं बड़े वाले माइक, वो ऐसे वाले। अजी हाँ, यही। हरीश साहब की रैली 15 तारीख को है और उमवी से मिलने डॉक्टर 14 तारीख को जाएगा। हमारे दोनों प्लान सक्सेसफुल भी हो जाए तभी हम दोनों को एक बार खत्म नहीं कर सकते। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है, अगर उमवी का डॉक्टर से मिलने 14 को नहीं बल्कि 15 तारीख को जाता है तो। और वो कैसे होगा? खालिद उस डॉक्टर के क्लिनिक में एक नर्स के बारे में बता रहा था। आपका अंदाजा सही था। रैली के लिए रशीद वाले ही साउंड इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं। गुड। अच्छा सुनो, मुझे शहजाद की शादी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। शहजाद की शादी? मीना भाई जी, वो डॉक्टर साहब 10 मिनट में निकल रहे हैं, हमीद आलम की दवाइयाँ मांग रहे हैं फौरन, पहले आप वो दे दीजिए। खालिद इन्हीं के बारे में बात कर रहा था, हस्बैंड शादी के 1 साल बाद ही मर गया। एक बेटा था, अमीना भी ने उसे अकेले पाला, वो लश्कर के लिए सुसाइड बॉम्बर बन गया। खालिद कह रहा था कि बेटे की मौत के बाद लश्कर के कुछ लीडर्स आए थे हमदर्दी जताने और पैसे देने जो सुसाइड बॉम्बर्स के फैमिलीज को दिए जाते हैं, तो अमीना बी ने पैसे लेने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि उन्हें अपने घर में घुसने से भी मना कर दिया। दो दिन में शादी करवा रहा हूँ तेरी, सुन रहा है? शादी करवा रहा हूँ तेरी। भाई जाने से बेहूदे मजाक में बिल्कुल पसंद नहीं है। सच कह रहा हूँ। ये ले, पूरे 50,000 है और 1 लाख नहीं पूरे 3 लाख दे रहा हूँ। धूमधाम से शादी कर अपनी, बाकी के कल दे दूंगा। तेरे ही देख क्या है, तेरे ही। थैंक यू भाईजान, थैंक यू, थैंक यू। आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा, आपकी की पाई चुका दूंगा भाईजान। क्यों, वरना शादी कैंसिल कर दूंगा तेरी। मैं जाके अम्मी को बताया, अब निकलेगी शहजादे शहजाद की बारात। वालेकुम सलाम। मेरा नाम नवाज मिस्त्री है, मैं मेडिसिन इंटरनेशनल के लिए काम करती हूँ। हम यहाँ एक मेडिकल रिलीफ कैंप चला रहे हैं लेकिन वॉलंटियर्स की बहुत कमी है, खासतौर से मेडिकल स्टाफ की। आप पाकिस्तानी हैं? जी। लहजा अलग है। पारसी हूँ, फैमिली साउथ अफ्रीका में है पुश्तों से, लेकिन पाकिस्तान में कई साल काम किया है। हमें आप जैसे एक्सपीरियंस लोगों की बहुत ज़रूरत है। क्या आप इस क्लिनिक में काम करना चाहेंगी? जितना भी वक्त आप निकाल सकें। नहीं, आपके बेटे के बारे में सुना हमने, अरशद की उम्र की कई ब्लास्ट विक्टिम्स आते हैं हमारे यहाँ। आपने भी अपना बेटा खोया है, आप इन बच्चों का दर्द समझ पाएंगे। मुझे लगता है आपको जाना चाहिए। बस एक बार कैंप तक तो आ जाइए, एक बार अपनी आंखों से देख लीजिए इन लोगों का क्या हाल है। हमें आपकी मदद की कितनी ज़रूरत है, फिर हाँ या ना
आपकी मर्जी, खुदा हाफिज। कितने फाइल्स हो गए फिरोज? करीब आधी हो गई हैं, कल रात तक पूरी हो जानी चाहिए। 4 माइक, 2 स्पीकर और डिस्कवरी लाइट्स चाहिए। शादी है। कब पड़ेगा शादी जी? परसों शाम को। परसों? बड़ी जल्दी आ गए ऑर्डर लिखवाने के लिए। भक्के शादी करवा रहे हो क्या? मजाक कर रहा था, 14 को नहीं हो पाएगा जी, 15 को रैली है। देखिए सारा सामान आपकी दुकान में परसों रात ही पहुंच जाएगा, सही सलामत। वो सब ठीक है जनाब, लेकिन मुमकिन नहीं है ना, शेख साहब की रैली है। कहाँ घूमता फिरूंगा इन वक्त पर। वो सब आप देख लो जी। देखिए पूरा का पूरा पेमेंट अभी कर देता हूँ, कैश में है जी। भाईजान ऊपर से आप भी कुछ रख लेना। क्या क्या चाहिए? मैं अभी देख के आती हूँ। दो बच्चे हैं, 3 साल की बच्ची और 7 महीने का लड़का। जुम्मे बाजार से उसके लिए खिलौने लेने गए थे। सिर्फ 16 साल का है। बड़ी मस्जिद वाली ब्लास्ट में दोनों टांगें चली गई। नहीं जानती थी वो कब इस रास्ते पर निकल पड़ा, पता ही नहीं चला। अगर पता होता तो मैं कभी ऐसा नहीं करने देती जिंदगी। वही है ये दानियाल खान ही झूठ रुझारियो है। मुझे हर उस आदमी की फोटो चाहिए जो कुरेशी के कत्ल के बाद पाकिस्तान में दाखिल हुआ। जनाब छोटे बड़े हर एयरपोर्ट हर एंट्री पॉइंट को कॉन्टैक्ट। ये तैयार है, ये दूसरा भी हो गया। इससे मैं ट्रिगर बजाऊंगा। ये टॉय वाली कार का रिमोट है, ये काम कर। रोको उसे, जल्दी करो, शेख साहब की गाड़ी आ रही है।
चाहती हूँ क्या बीबी? पाकिस्तान के लिए। बीबी नामुमकिन है सर। दानियाल, वो लोग मिनटों में पूरा शहर बंद कर देंगे। इससे पहले तुम वहां से निकल जाओ किसी भी तरह। मैं आपको बाद में फोन करता हूं सर। ओके, ठीक है, लेकिन अपना फोन ऑन रखना। जी। अपने कपड़े निकालो जल्दी। इस बार हो रहा है रिन्यू करवा लेंगे, ठीक है? जानते भाई कर रहे हैं सर, मैं सच कह रहा हूँ अल्लाह कसम, ये आदमी अकेला आया था मेरी दुकान में शादी का सामान लेने के लिए। शादी किसी से? भाई बच्चा बस होने वाला है, काहे टूट रहा है बेचारे पर, जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना है। एक मिनट लगेगा, बस चेक कर लेता हूँ। अरे कमीने, जा निकल रहे हो, जल्दी चलो यहाँ से। एक मिनट लगेगा, चेक कर लेता हूँ भैया, एक मिनट। अरे तुम्हारी माँ नहीं है क्या बदजात? अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना तो मैं चक्कू पर आके एक एक को जान से मार दूंगी। कमीने, जल्दी जल्द। यहाँ से इंडिया बॉर्डर बस 26 किलोमीटर की दूरी पर है, इस एरिया का चप्पा चप्पा कवर कर दो। सर, लाहौर के आसपास का सारा बॉर्डर एरिया है, वो लोग 100% बंद कर देंगे सर। सर, यहाँ डेरा नानक पे हमारे कुछ लोग हैं, उनको बोलिए कि वो लाहौर से नॉर्थ की ओर ड्राइव करें। बॉर्डर जाने वाले लालो और धिलवान के रास्ते भी बंद करवा दो, हर गाड़ी की चेकिंग होनी चाहिए। लेकिन सर, वो अफगानिस्तान बॉर्डर की तरफ से तो निकल सकते हैं या फिर ईरान। लेकिन बॉर्डर तो नॉर्थ में भी बंद। सर, सारे लैंड बॉर्डर्स बंद हो चुके होंगे, उनसे कहिए साउथवर्ड्स ड्राइव करते रहें कराची की तरफ। लेकिन ऐसे तो वो पाकिस्तान के और भी अंदर फंस जाएंगे। सर, दानियाल भी वैसे ही आ सकता है जैसे वो लोग आए थे कराची से बोट में। लेकिन कराची पहुंचने में कम से कम 10 घंटे और लगेंगे सर। और कोई रास्ता नहीं है दानियाल, पाकिस्तान का कोई भी बॉर्डर क्रॉस करना इम्पॉसिबल है।
26/11 के बाद कराची के मनोरा जेटी पेट्रोल पंप पे हमने एक आदमी प्लांट किया था सर, वो आदमी दानियाल को वहां से अपनी बोट में ले जा सकता है। सर, लेकिन क्या? सिर्फ पाकिस्तान के टेरिटोरियल वाटर्स की लिमिट तक, उसके आगे पाकिस्तानी नेवी उन्हें इंटरसेप्ट कर लेगी। सर, मुझे लगता है हमें अपनी बोट पाकिस्तानी वाटर्स तक भेजनी चाहिए। वो तो मुझे भी मालूम है, उसके लिए गवर्नमेंट की क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। शिट। ये बस। जनाब। अरे सईद और उमवी मारे गए? जी सर, न्यूज रिपोर्ट्स बस आती ही होंगी। तुम्हें कैसे मालूम? सर, उन दोनों को हमारे आदमी ने मारा है। बोल। सर जी, भाईजान के सफेद सुजुकी की गाड़ी है। एक नौ जीरो एक। साधु चढ़ दो, ऐसे कुछ नहीं कहता, ऐसे कुछ नहीं कहता, साधु चढ़ दो। Who gave you the authority? सर, उसे वहां से निकालना हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारा आदमी है सर। हमारा नहीं, तुम्हारा आदमी है। रेम्बो बना के भेजा था उसको, अब खुद ही निकालो उसे बाहर। लारी एजीएम्स, मुझे अभी के अभी सब कुछ प्राइम मिनिस्टर को बताना पड़ेगा। लेकिन सर मेरी बात तो सुनो। I say get out. जी जनाब, LEA 1901। जी जनाब, 11 बजे, सुबह 11 बजे जनाब। सर सुबह 11 बजे लाल कुआं चेक पॉइंट से। कराची पुलिस को गाड़ी का नंबर भेजो। लेट मी बी ब्लंट सर, क्या सबाउद्दीन उमवी और हारिस सईद को इंडिया ने मरवाया है? नहीं, इन दोनों की मौत से इंडिया का कोई लेना देना नहीं है। लेट मी स्ट्रांगली रिएट्रेट एट दिस पॉइंट दैट इंडिया डज नॉट बिलीव इन विजिलेंटे जस्टिस। आज मीडिया एक आईडिया है सर। मिस्टर रॉय। सर, दानियाल खान का फोन आया था सर, वो कह रहा था कि वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को सरेंडर करने वाला है और उनसे ये भी कहने वाला है कि दोनों किलिंग्स के पीछे भारत सरकार का हाथ है। नॉनसेंस। सर, दानियाल ने धमकी दी है सर, वो कह रहा था कि आधे घंटे के अंदर वो सरेंडर कर देगा। जब तेरी छुट्टी मंजूर हो गई है, हमें क्या ऐतराज है। रोक भाई रोक। सर, यस सर, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, नेवी से बात कर रहे हैं। हाँ भाई, कहाँ से आ रहे हो? जी जनाब। लाइसेंस दिखाओ। जी जी, LEA 1901। समित। यस सर। पालम एयरबेस पर तुम्हारे लिए एक नेवी प्लेन तैयार खड़ा है, वो तुम्हें वेस्टर्न नेवल बेस तक ले जाएगा। मुझे सर? लाहौर का बना हुआ है लाइसेंस। जी चलो निकलो। ओ जाने दो भाई। सफेद सुजुकी। ओए मौरीपुर। हमारा एक बंदा ही लेते जाओ यार। जी चलो ए, आजा। ओ शर्म करो ए, जनानी बैठी है पीछे से। आ चला, आ बैठ।
पाकिस्तानी समंदर पार करा देंगे, वहां से इंडियन नेवी आपको उठा लेंगे। मेरा सैटेलाइट फोन ऑन है, इसमें उनको हमारी लोकेशन पता रहेगी और वो आप तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू। गाड़ी मौलीपुर को जा रही थी। मुझे लगता है सर मनोरा जट्टी की तरफ जा रहे हैं, यकीनन बोट से निकलने वाले हैं सर। नेवल कमांड को आगाह करो, इस एरिया की सारी बोटों को रोक ले। मसला हो जाएगा सर, मनोरा और मौलीपुर से तो बेशुमार बोटें निकलती हैं। I don't care! पानी में जितनी किश्तियां हैं सबको रोक दो, हर एक को। समित, ये सब ये बोट की पोजीशन है जो उनके सैटेलाइट फोन के सिग्नल से मिल रही है। ओके सर। 10 मिनट में ये बोट इंटरनेशनल वाटर्स में आ रही है। रुके हुए किनारे से इतनी दूर क्यों हो? मच्छी का पीछा पकड़ रहे हैं हुजूर, आजकल बहुत कम हो गई है। चेक करो। रुक जरा, उधर पीछे चेक करो। उधर पीछे भी और भी कोई बोट्स थी? मालूम नहीं हुजूर, या तो बस्ती घूम रही है। बस्ती क्लियर है जनाब। मुझे लगता है इन्हें रोका गया, दोनों बोट रुकी हुई। जनाब लाइट घुमा उधर। फायर करो उधर पानी में। बोट अभी भी पाकिस्तान के पानी में, लेकिन वहां तक हम जा नहीं सकते। यहां से कितनी दूर है? ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन इससे आगे जाने के ऑर्डर्स हमारे पास नहीं है। उन्हें इंटरनेशनल वाटर्स में आना होगा। राजी करो, वापस बोट घुमाओ। हुजूर लेकिन हम मेरे कारा घुमाओ, चलो मेरे साथ। ठीक है हुजूर, नेविगेशन चल सिखाओ। चलो अंदर। वेट अ मिनट, ये पाकिस्तान वापस कहां जा रहे हैं? लौटना पड़ेगा। सर वो यहीं है, वो यहीं पर है सर, जहां बोट रुकी थी दानियाल वहीं पे है, हमें बस वहां तक जाना है सर। आई एम सॉरी, हमारे पास पाकिस्तानी बॉर्डर्स में जाने के ऑर्डर्स नहीं है। टर्न सर रॉन्ग, वी हैव टू गो बैक। नो सर, नो सर, हम उनसे सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे हैं सर, हम उसे छोड़ नहीं सकते। मैं कह चुका हूं हमारे पास पाकिस्तानी वाटर्स में जाने के ऑर्डर्स नहीं है। टर्न बैक। नो, सर 26 नवंबर 2008 की रात को आप कहां थे? कहां थे आप उस रात जब सिर्फ 10 लोगों ने हम 100 करोड़ लोगों को बेइज्जत किया था? आप जहां भी थे, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपको भी कमजोरी का, लाचारी का और बेइज्जती का एहसास हुआ होगा। आपका भी खून खौला होगा, मेरी तरह, पूरे देश की तरह। और सर ये आदमी जिसको हम डूबता हुआ मरने के लिए छोड़ रहे हैं सर, इसने अकेले उन सब लोगों को मारा है
जिन्होंने उस दिन हिंदुस्तान को उसके घुटनों के बल गिरा दिया था। सर अगर आज हम इस आदमी को नहीं बचा पाए तो इस टेक्नोलॉजी का, इस पावर का, सर इस सब का क्या फायदा है सर? इट्स ऑल यूजलेस। दिलावर सिंह की आंखों में अपने लिए फिर से वही इज्जत देखना चाहता हूं। वही से लूट जाता हूं। उसी जोश के साथ, उसी जज्बे के साथ। मैम, हम आपको बेशक ले जाने आए हैं। बात नहीं, आज मैं किसी से पैसे नहीं लूंगा। दो। मेरा बेटा ताज में वेटर की नौकरी करता था, उस रात उसे भी मार दिया गया।
आज जब मुझे पता चला कि उन कातिलों को खत्म कर दिया गया है तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे बेटे के रूह को सुकून मिल गया है। इसलिए आज मैं पैसे नहीं लूंगा। हाँ चाचा जी। हाँ एक और कप चाय मिल सकती है? जरूर जरूर। Sun.